नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे राजस्थान, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 671 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 108 पॉजिटिव केस अकेले कोटा में सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोटा में 108, अजमेर में 20, अलवर में 57, बांसवाड़ा में 26, बारा में 21, बाड़मेर में 8, भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में 35, बीकानेर में 17, बूंदी में 37, चित्तौड़गढ़ में 11, धौलपुर में 37, डूंगरपुर में 10, जयपुर में 90, झालावाड़ में 21, झुंझुनू में 22, जोधपुर में 61, नागौर में 14, पाली में 25, राजसमंद में 14, सवाईमाधोपुर में 6, सीकर में 9 और उदयपुर में 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हनुमानगढ़ में आज सुबह एक बैंक लूटने की बड़ी वारदात होते होते रह गई। हथियार लेकर बैंक में घुसे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने इस व्यक्ति को इतना पीटा कि वह घायल हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही जंक्शन और टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि जंक्शन की नई धान मंडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। सुबह करीब 9 बजे कर्मचारी ने बैंक को खोला ही था, उसी दौरान चेहरा ढककर एक युवक बैंक में घुस गया और वह चाकू दिखाकर कर्मचारी से रुपये की मांग करने लगा। इस युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उस पर पत्थर बरसाए। पुलिस ने बताया कि घायल युवक की पहचान विजय जाट के रूप में हुई है, वह एलनाबाद का रहने वाला है। IIIT और NIT जैसे प्रौद्योगिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ मार्ग स्थित श्री आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज परिसर में JEE मेंस परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 36 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, इनमें 34 जने परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा 4 दिन तक चलेगी। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय स्थित गगन पथ पर स्थित एक मैरिज पैलेस के सामने चॉकलेट बार स्थित 2 स्थानों पर आज सुबह आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार चॉकलेट बार के किचन में आज सुबह 11 बजे आग लग गई, इससे वहां धुआं भर गया। पुलिस ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, आग से काफ़ी मात्रा में सामान जल गया। इसी तरह SSB मार्ग स्थित दिनेश कुमार के मकान में आग लग गई। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग से फ्रिज आदि सामान जल गया। प्रतापगढ़ के धरियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चाची और भतीजे के बीच किसी बात पर विवाद होने से फांसी लगा ली। जानकारी के अनुसार धरियावद थाना क्षेत्र के झड़ोली नई बस्ती में किसी विवाद के बाद पहले भतीजी ने फांसी लगाई। उसे परिजन जब अस्पताल लेकर जा रहे थे तो पीछे से चाची ने फांसी लगा ली। चाची की मौत हो गई जबकि भतीजे की हालत गंभीर है। इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर बाइक और कपड़े छोड़कर एक वृद्ध नहर में कूद गया। कई लोगों ने इस वृद्ध को बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन नहर में पानी का अत्यधिक बहाव होने के कारण वह पानी के साथ बह गया। सूचना मिलने पर नोहर और मसीता वाली चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति मसीता वाली हेड पर बाइक पर आया था। हेड से कुछ ही दूरी पर इस युवक ने अपना बाइक खड़ा किया और अपने कपड़े उतारकर नहर में कूद गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सेतिया फार्म पुलिस चौकी के पास मुख्य मार्ग पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इसके शव को सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल के मोर्ची के पास धरना लगाकर बैठे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। समाचार लिखे जाने तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आंदोलनकारियों को समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। मृतक की पहचान ज्ञानचंद निवासी 4 ई छोटी के रूप में हुई है। हरियाणा से रिश्तेदारी में आया एक युवक एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। 2 दिन की तलाश के बाद इस लड़की का कहीं पता नहीं चला तो लड़की के पिता ने युवक के खिलाफ हनुमानगढ़ सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि श्री गंगानगर मार्ग स्थित एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि गाजियाबाद निवासी केवल सिंह नामक युवक उसके 21 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया। श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को पूरे दिन का लॉकडाउन तथा रात 8 बजे के बाद 0 मोबिलिटी के आदेश दिए थे। अब इन आदेशों को वापस ले लिया गया है। आज से बाजार रात 7 बजे तक के बाद भी खुले रह सकेंगे, तो दूसरी ओर जनता को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें ही अब स्वयं ही सतर्क रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना जागरूकता के साथ करनी होगी।
जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में बनाड पुल के पास चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट बाइक सवार दो युवक पुलिस को चकमा देकर भागे। पुलिस ने पीछा कर एक को पकड़ लिया। पकड़ा गया बदमाश पुलिस से चालान बुक लेकर भागा था और दूसरा गाड़ी में मास्टर चाबी लगाकर भाग गया। बदमाश औसिया निवासी महिपाल हेड कांस्टेबल से चालान बुक लेकर भाग गया था, जिसे पीछा कर पकड़ लिया। एक फरार हो गया है, दोनों सगे भाई हैं। नगर परिषद में आयुक्त के पद पर आरएएस अधिकारी लगाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर पार्षदों का एक शिष्टमंडल उपसभापति के नेतृत्व में जयपुर पहुंच गया है। नगर परिषद परिसर में कई दिन तक धरना देने के बाद भी मांगों पर सहमति नहीं होने के उपरांत पार्षद जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। जयपुर में उपसभापति लोकेश मनचंदा ने बताया कि उनके साथ राजधानी में 22 पार्षद आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोकल बॉडी के डायरेक्टर से भी मुलाकात हो चुकी है। आज दोपहर बाद स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात होगी। जोधपुर के बिलाड़ा में युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाने व उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि कुछ माह पूर्व संदीप ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर दोस्ती के लिए कहा। 24 मार्च को वह बिलाड़ा जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। संदीप ने उसे लिफ्ट के बहाने बैठाया और रामासनी गाँव की पहाड़ियों पर ले गया, जहाँ ले जाकर उसे चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। बाद में लगातार तंग परेशान करने लगा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में जहर खाने से एक युवक की मौत हो गई। उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। श्री विजयनगर पुलिस ने बताया कि 23 GB निवासी मांगीलाल नामक व्यक्ति को कल शाम को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहां उसकी हालत बिगड़ने पर श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। मांगीलाल ने कल कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।